आंखों के नीचे बहुत ज्यादा पफिनेस आ गई है, सैग कर रही है, अगर आईज बहुत ज्यादा लूज होती जा रही है, आपको लगता है ढलकी ढलकी सी आंखें लग रही हैं, सुंदर सी कोयल के जैसी अगर आंखें आपको चाहिए अपनी, तो क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप बता रही हूँ, इसके पांच स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो पांच वाला स्टेप होगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसको बहुत ध्यान से करना है और करना जरूर है, ताकि ये चारों के चारों जो बाकी के स्टेप्स हमने किए हैं वो और अच्छा हमें रिजल्ट दे पाए। तो पांचवा वाला स्टेप कन्फर्म है, देखना ही देखना है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अपनी दोनों फिंगर लेनी है और आंखों के यहाँ पे रखना है, ठीक है। एक हमें रखनी है अपनी आंख के इस कॉर्नर पे, दूसरा हमें इस कॉर्नर पे, ठीक है, ये हमने रखना है और ऊपर नीचे हमने अपनी फिंगर को करना है। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 30 टाइम्स करना है। दोबारा से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपने करना है। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा इंक्रीज होता है। बिना हाथ उठाए सेकंड पोजीशन, 1 2 3, इस तरीके से आपने करना है। नेल्स नहीं होने चाहिए, नेल प्लीज कट कर लीजिएगा, अगर नेल है तो दूसरी फिंगर के साथ में कर लीजिए, ठीक है। और ये सब स्टेप्स को हमने बहुत ही रिलैक्स रह के करना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आंख के आसपास का मामला है, बिल्कुल भी आंख में लग जाएगा अगर आप जरा सा भी केयरफुल नहीं रहे तो, ठीक है। ये वाला स्टेप, इसको भी हमने 3 बार दोहराना है और 10-10 बार का ये गैप करना है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, तीसरा स्टेप, ये दो स्टेप्स हमने कर लिए, तीसरा स्टेप अपनी अपनी आंख के आसपास की स्किन को इस तरीके से खोलना है, ये देखिए इस तरीके से, और टाइट से बंद करना है। यहां पर हाथ रहेगा और आंखों को आपने बंद करना है, ठीक है। ये 10 बार करने के बाद में 2 मिनट छोड़ेंगे, फिर वापस रखेंगे और फिर से वापस से वही स्टेप आपने करना है। एक तो ये आपकी आंखों की पावर भी बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर काम करता है, आंखों के आसपास की जो स्किन हमारी डेड हो जाती है उसको ये जगाता है। ये था हमारा तीसरा स्टेप, 3 बार इस स्टेप को करना ही करना है। इसके बाद में चौथा स्टेप, आईब्रोज क्योंकि नीचे ढलकने लग जाती हैं, यानी कि यहाँ की जो नसें हैं वो सुन्न होती जा रही है, इसके लिए क्या करेंगे, प्रेस 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 प्रेस। ये 4 पॉइंट है हमारे आईब्रोज के जस्ट नीचे जो हमारे ब्लड को फास्ट करता है, ठीक है। ये 4 जगह पे पॉइंट पे आपने प्रेस करना है और आपने इनको 1 बार में 10 बार करना है और टोटल 3 बार आपने इस स्टेप को करना है, ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद में जो पांचवा वाला स्टेप है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया काम करता है, क्या करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, बहुत केयरफुल होके करिएगा क्योंकि यहां पर आंख के नीचे जस्ट गड्ढा होता है, लेकिन ये हमारी आंख का मेन प्रेशर पॉइंट होता है, यहां पर आपने बहुत ध्यान से करना है। और ये जितने भी आपने इसके पहले स्टेप्स किए हैं उन सबसे पावरफुल है, लेकिन उन स्टेप्स को करने के बाद ही आपने इस स्टेप को करना है, ठीक है जी। ये भी आपने 1 बार में 10 बार करना और टोटल 3 बार आपने इस स्टेप को करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एंड बिलीव मी, जितनी ज्यादा फेशियल योगा आप अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे उतना ज्यादा आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगा, निखार आएगा। बिना कुछ लगाए अगर रंग चोखा चाहिए, ये रेमेडी ट्राई कर लेना, जो भी मैं अपने फेस के ऊपर लगाती हूँ। अभी तक अगर फेशियल योगा वाला ऑयल आपने नहीं लिया है, अभी भी जाके आप परचेज कर सकते हैं, चाहिए तो मैं लिंक उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके जरूर उसको परचेज करिए। बहुत अच्छा एंटी एजिंग ऑयल है कुमकुम आदि का, ट्राई जरूर करेगा, बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो थोड़ा नजर रखिएगा, जब स्टॉक में आए तुरंत खरीद लीजिए।